रणवीर सिंह की तरह ही दीपिका पादुकोण की जिंदगी में कई लड़के आए जिसमें एक्टर रणबीर कपूर का नाम भी शामिल है। यहाँ तक कि दीपिका ने रणबीर कपूर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। और जब रणबीर कपूर के साथ दीपिका का ब्रेकअप हुआ तब दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म रामलीला ऑफर की थी और इस फिल्म के हीरो थे रणवीर सिंह। फिल्म की शूटिंग के दौरान मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह ने ब्रेकअप से टूटी दीपिका को कभी मायूस नहीं होने दिया। रामलीला के शूट के वक्त ही रणवीर सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते रणवीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पूरे एक हफ्ते तक उनसे हॉस्पिटल में मिलने पहुंचती थी दीपिका पादुकोण। साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण खुद बाजीराव की मम्मी और बहन के साथ उनको सरप्राइज देने स्पेन तक पहुँच गयी थी। उसके बाद इन दोनों का इश्क बस परवान ही चढ़ता गया और लव बर्ड्स ने दो सुपरहिट फिल्में बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में भी साथ काम किया। अब अपने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद खबरें हैं कि इन्होंने हमसफर बनने का फैसला लिया है। सचमुच रणदीप यानी रणवीर एंड दीपिका कपल गोल शेयर करते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना। रणवीर सिंह की तरह ही दीपिका पादुकोण की जिंदगी में कई लड़के आए जिसमें एक्टर रणबीर कपूर का नाम भी शामिल है। यहाँ तक कि दीपिका ने रणबीर कपूर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। और जब रणबीर कपूर के साथ दीपिका का ब्रेकअप हुआ तब दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म रामलीला ऑफर की थी और इस फिल्म के हीरो थे रणवीर सिंह। फिल्म की शूटिंग के दौरान मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह ने ब्रेकअप से टूटी दीपिका को कभी मायूस नहीं होने दिया। रामलीला के शूट के वक्त ही रणवीर सिंह की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते रणवीर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और पूरे एक हफ्ते तक उनसे हॉस्पिटल में मिलने पहुंचती थी दीपिका पादुकोण। साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण खुद बाजीराव की मम्मी और बहन के साथ उनको सरप्राइज देने स्पेन तक पहुँच गयी थी। उसके बाद इन दोनों का इश्क बस परवान ही चढ़ता गया और लव बर्ड्स ने दो सुपरहिट फिल्में बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में भी साथ काम किया। अब अपने 5 साल के रिलेशनशिप के बाद खबरें हैं कि इन्होंने हमसफर बनने का फैसला लिया है। सचमुच रणदीप यानी रणवीर एंड दीपिका कपल गोल शेयर करते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना।